अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद स्पेशल खोए वाली फिरनी। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 12 किलो दूध फुल क्रीम। इसको मैंने उबाल लगा लिया है और हम इसको गैस पर जब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा ही पिंक कलर का ना हो जाए। आँच हम इतनी रखेंगे कि दूध बाहर ना आए और अच्छे से हमारा पकता रहे। और इसको हम चारों तरफ से अच्छे से नीचे से चलाते रहेंगे ताकि नीचे जले ना दूध। पक रहा है इतने हम ये फिरनी के लिए जो मैंने चावल लिए हैं कच्ची बासमती 1 किलो 200 ग्राम, इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। हम ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, पानी कम से कम डालने की कोशिश करें कि इतना नहीं जितने हमारे चावल पीस जाएं। तो मैंने ग्राइंडर में चावल पीस लिए हैं, ये देखिए। अब मैं इसको जो दूध पक चुका है उसमें डालकर मिलाऊंगी। ये पकते पकते देखिए दूध का कलर कितना चेंज हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने चावल पीस लिए थे ये मिलाऊंगी। इसे हम चलाते रहेंगे हाथों हाथ, नहीं तो इनकी गुड़ियाँ पड़ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है आप 12 किलो दूध की ही बनाएं, आप चाहें तो 6 किलो की, 3 किलो की, जितने की भी बनाएं फिर नहीं बना सकते हैं। उसी हिसाब से आप चावल कर लें, जैसे तो आप उसके आधे ले लें और ऐसे ही जो भी सामान हम डालेंगे आप उसके हिसाब से दूध के ही ले लें। अब हम इसको फुल आंच पर पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें चावल डाल दिए हैं, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये फिरनी पकते पकते गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए। अभी हम गैस को स्लो कर देंगे बिल्कुल और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे क्योंकि जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो ये थोड़ी पतली हो जाएगी, इसलिए हम इसको थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे फिरनी को। अभी गैस स्लो कर देंगे हम। तो ये फिरनी हमारी ये देखिए पकते पकते बहुत थिक हो चुकी है। अब इसमें मैं ये चीनी डाल दूंगी। चीनी मैंने ली है ये 1 किलो। अभी हम इसमें और टेस्ट करके देख सकते हैं, चीनी हमें जितना भी मीठा रखना है अपने हिसाब से हम उसमें टेस्ट करके देख सकते हैं जब हमारी चीनी पिघल जाए अच्छे से। अभी हम इसको चलाएंगे। आप चाहें तो इसमें हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। अगर आपको हरी इलायची पसंद है उसकी खुशबू तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें चीनी डाल दी हमने, एक उबाल आने दें। जब इसका उबाल आ जाएगा तो हम इसका मीठा टेस्ट करेंगे। चीनी इसमें अच्छे से मिल गई है फिरनी में हमारी। मैंने इसका मीठा टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा हल्का लगा इसलिए मैंने इसमें 1/2 किलो चीनी और ऐड कर दी। आप भी जब फिरनी बनाएं तो उसका मीठा टेस्ट करके देख लें, आप अपने हिसाब से इसका मीठा रख सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा मीठा थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, हल्का सा, क्योंकि मैं इसमें अभी खोए भी ऐड करने वाली हूँ तो इसलिए इसका मीठा वो कम हो जाएगा बिल्कुल। ये मैंने 1 किलो खोया लिया था, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है खोया। अब मैं ये खोया खीर में मिला दूंगी। गैस मैंने स्लो कर रखी है बिल्कुल। और इसको अच्छे से मिलाऊंगी। अब मैं गैस थोड़ी तेज़ कर लूँगी और जब तक ये फिरनी में अच्छे से खोया मिल नहीं जाता इसको मैं चलाती रहूँगी। जब ये हमारा खोया इसमें अच्छे से मिल जाएगा हम फिरनी हमारी बनकर तैयार है। फिरनी में हमारा खोया अच्छे से मिल गया है, अब मैं गैस को बंद कर दूँगी बिल्कुल। ये हमारी फिरनी खोए वाली तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो खोया फिरनी हमारी ये तैयार है, मैंने इनको सर्व कर लिया है। ये मिट्टी की कटोरियाँ आती हैं बाज़ार में, इन्हें हमने धो लिया है अच्छे से और इसमें सर्व कर लिया है। मैंने इन्हें पिस्ता और ये गोले का नारियल का बोलते हैं बुरादा ये आता है इससे गार्निश किया है। आप चाहें तो बादाम छीलकर किशमिश चिरौंजी काजू कुछ भी लेकर गार्निश कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है
अगर आपको कटोरी नहीं मिलती, आप प्लेट में, कटोरी में, किसी में भी जो आपके पास हो उसमें भी सर्व कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ये पसंद हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अलविदा।